चाहिए दोस्तों छोटे मैच जो कवर करने हैं मुल्तान वर्सेस पेशावर का जो कि मैच खेला जाएगा दोस्तों, ये पीएसएल का फाइनल मैच खेला जाएगा एंड इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए बहुत अच्छा मैच हो सकता है। तो मेरे साथ वीडियो में आखिर तक आप बने रहेगा, फाइनल पीएसएल मैच है तो हम विनिंग करेंगे आपको पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही आपका एक फर्ज बनता है वीडियो को सबसे पहले छोटा सा नीचे लाइक जोर से लाइक है, जो भी विन करना चाहता है प्लीज लाइक जोर से करें, जो सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको एक एक प्लेयर का डीपली एनालिसिस आपको मिलेगा, यकीन मानिए ऐसा आपको मतलब प्लेयर स्टेट्स कहीं पर मिलेगा। मुझे और मेरी टीम को इस ऐसे डिटेल्स निकालने मुझे 8 घंटे लगे मेरे और मेरी टीम को, तो आप वीडियो में 15 मिनट तो दे ही सकते हो दोस्तों, क्योंकि मुझे 8 घंटे इस वीडियो को बनाने में लगा है। तो आप मतलब कि सिर्फ मतलब 15 मिनट तो दे ही सकते हो, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो पूरा देखिएगा, आपको ऐसा डिटेल एनालिसिस कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, और टारगेट रहेगा हमारे ग्रैंडलिंग, क्योंकि इस मैच में ग्रैंडलिंग का टारगेट रखेंगे कि ग्रैंडलिंग विन कर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर से कोई ना कोई। ऐसा स्टेट्स पर आपको कोई नहीं देगा, देखो यहाँ पे लास्ट 5 मैचेस का रिकॉर्ड, स्पीच पे रिकॉर्ड एंड साथ ही साथ पॉइंट्स वाले, ऐसा कोई भी नहीं स्टेट्स वगैरह और प्लेयर वेटलिस ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा कहीं। तो सबसे पहले छोटा सा लाइक बटन होगा जोर से लाइक करें, क्योंकि दोस्तों इसे निकालने में 8 घंटे से ज्यादा टाइम लग गया है। तो वीडियो को लाइक जोर से कर दीजिए, मेरी और मेरी टीम को भी सपोर्ट मिलेगा अगर लाइक करोगे तो, ठीक है। लाइक जोर से करें, जो सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब जोर से करके रख लीजिएगा। बाकी सबसे पहले दो टीम्स के प्लेइंग जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बात करते हैं जो फाइल टीम होगी आपको टेलीग्राम पे दे दूँ, तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिए, आप ऑलरेडी 4000+ का आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कीजिए, इस तरह आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा, इस वाले पहले लिंक पर क्लिक करें, रियल टेलीग्राम ओपन हो जाए, आप ऑलरेडी 4000+ का आपको देखने को मिलेगा। तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा, चाहे मैं फाइल टीम में दे दूंगा मैच का। इस मैच का जो डेडलाइन है 9:30 है, जो फाइल टीम होगी आपको 9:15 आपको फाइनल टीम दे दूँ। 9 बजे यहाँ पर आपको टॉस रिपोर्ट पिच रिपोर्ट्स दे दूँगा, 9:15 पर फाइनल टीम दे दूँगा 15 मिनट पहले। एंड यहाँ पे जो रिपोर्ट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे दे दूँ, तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम होगी टेलीग्राम पे दे दूँ, तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो को भी आप जाकर देख लीजिए, मैच भी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मैच है, तो जाकर आप इसको भी देख लीजिएगा। बाकी फाइनल टीम टेलीग्राम पे दूँगा तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और पीएसएल का फाइनल मैच है तो विन करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सर्च कर ज्वाइन कर सकते हो @FantasyIlevenTeamDream11 सर्च कर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मेरी बात मानो कमेंट बॉक्स के लिंक से आ जाइएगा, जब ऑलरेडी 4000+ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, ये मैच 9:30 पर मैच स्टार्ट होगा, वेन्यू एक जैद में खेला जाएगा, अबू धाबी में यानी कि, ठीक है। कहते पिच रिपोर्ट तो मैं आपको बता दूँ, पिच था पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, और इस पिच पे पेसर्स को कितने विकेट मिले और स्पिनर्स को कितने विकेट मिले ये आप जानकर चौंक जाओगे। तो मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहे प्लीज़, 15 मिनट जोर से दे दोस्तों, हालत खराब हो गई पूरा, बता स्टेट्स वगैरह इतना निकालने में टाइप करने में मतलब कि फिंगर तक दर्द कर रहा है इतना, मतलब कि आप खुद समझ सकते हो मेरी बात, ठीक है। यहाँ पे पेसर्स को थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, जो पहले बैटिंग करता है 170 अराउंड ऐसे स्कोर कर देता है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब जो पहले बैटिंग करता है उसको सपोर्ट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। पेसर्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। बात करें पे ग्राउंड स्टेट्स का, मैं आपको बता दूँ इस पिच पे करीब 19 मैचेस खेले, जिससे पहले बैटिंग करने वाले 11 जीते, जैसे कि मैं आपको पिच रिपोर्ट के अनुसार बताया था, ठीक है। और सेकंड बैटिंग करने वाले 8 मैचेस जीते, जिससे एवरेज यहाँ पे स्कोर बन जाता है 166 का एवरेज स्कोर बन जाता है। पेसर्स को यहाँ पे कितने विकेट मिले, 158 पेसर्स को विकेट मिले, ठीक है। और स्पिनर्स को मात्र मतलब 160 मिला है, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे पेसर्स ज़्यादा विकेट लेके जाते हैं, तो देख रहे हो कितना ज़्यादा मतलब उससे डबल ही विकेट ले लिया पेसर्स ने, तो स्पिनर्स को कम आप पेसर्स को ज़्यादा मतलब अपनी टीम में कवर कीजिएगा। बात करें स्कोरिंग में और डोमेस्टिक मैचेस की, तो मैं आपको बता दूँ 150 से आराम बन जाता है, बिटवीन जैसे 150 से लेकर 170 तक इजीली यहाँ पे बन जाता है। बात करें लास्ट 5 मैचेस जो किसी ग्राउंड पे खेले गए, यहाँ पे जो मैच खेला गया था 22 जून 2021 को खेला गया था, इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर का, जिसमें पेशावर जीत गया था। जो देख लो इसमें क्या हुआ था, पहले बैटिंग के इस्लामाबाद ने 174 का स्कोर खड़ा किया था, बट उसमें 9 विकेट भी गिर गए थे, अब देखा, ठीक है। जहाँ पे पेशावर जीते, जिसमें 9 विकेट पेसर्स ने लिया और एक भी विकेट स्पिनर नहीं ले पाए, तो पेसर्स ज़्यादा सपोर्ट मिल जाए। फिर बात करें जो खेला गया था दूसरा मैच, वो 21 जून 2021 को खेला गया था, जो कि खेला था कराची वर्से पेशावर का, इसे पेशावर जीत गया था, जिसमें से 5 विकेट से जीता था। इसमें भी 11 विकेट यहाँ पेसर्स को मिला है और एक मतलब स्पिनर को, ठीक है। तो ध्यान रखना 11 विकेट्स यहाँ पे मिला है पेसर्स को। एंड ऐसे बात करें थर्ड मैच जो कि खेला गया था 21 जून 2021 को खेला गया था, मुल्तान वर्से इस्लामाबाद के बीच, जो कि जिसमें से मुल्तान ने जीत लिया था 31 रन से, जिसमें से पेशावर या पेसर्स को 10 विकेट मिले और स्पिनर को 5 विकेट, यानी देख लो लगभग डबल से भी ज़्यादा विकेट मिल रहा है पेसर्स को। तो पेसर्स अपने टीम में जितना हो सके उतना कवर करना, मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। फाइनल टीम को टेलीग्राम पे दूँगा तो रियल टेलीग्राम जोर से चलेंगे, और जी और मैं इस वीडियो में गिव अवे क्वेश्चन भी है, गिव अवे क्वेश्चन भी है, तो आप वीडियो में एंड तक रहे, बहुत सिंपल सा गिव अवे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं कोशिश करूँगा कि सभी आंसर दे पाए, जिससे सभी को मैं पेटीएम कैसे दे पाऊँ, ठीक है। फिर इसके बाद खेला गया था 19 जून 2021 को, जिससे यहाँ पे मुल्तान सुल्तान का मैच खेला गया था इस्लामाबाद, और यहाँ पे इस्लामाबाद ने 4 विकेट से जीत दिया था। फिर पेसर्स को 10 विकेट मिल गया, आप देख रहे हो पेसर्स को फिर 10 विकेट मिला था, फिर स्पिनर्स को 6 विकेट मिला था। बात करते हैं 5th मैच जो कि खेला गया था 19 जून 2021 को खेला गया था कराची वर्से यहाँ पे क्वेटा के बीच, जिसमें मतलब कि कराची ने जीता था 14 रन से, एंड यहाँ पे पेसर्स को मिला था 6 विकेट, एंड यहाँ पे स्पिनर्स को मिला था 5 विकेट। तो आपने एक फैक्ट आपने नोटिस किया होगा कि पेसर्स लगभग डबल या फिर ज़्यादा स्पिनर्स से विकेट ले रहे हैं, तो आपके टीम में पेसर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने खुद देखा 158 यहाँ पे पेसर्स ने विकेट लिया इस ग्राउंड पे, एंड यहाँ पे स्पिनर ने लिया है 61, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके
लॉजिकली बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए स्पिनर पेसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके रोल प्ले करेगा। बात करें दोस्तों ऐसे स्टेट्स आपको कहीं पर मिले प्लीज़ जरूर से लाइक कर दें, आपको हमारी टीम को सपोर्ट मिलता है तो एक नीचे छोटा सा लाइक का बटन जोर से लाइक कर दीजिएगा, आप सब्सक्राइब भी जोर से करके रख लीजिएगा। बात करें यहाँ पे पॉइंट्स टेबल के थे मुल्तान मतलब कि सेकंड नंबर पे, पेशावर थर्ड नंबर पे, ठीक है। एंड बात करें पी एस एल हिस्ट्री के तो मुल्तान ने मतलब कि अभी तक एक बार भी मतलब अभी अपना ट्रॉफी नहीं जीता है, पेशावर ने एक मैच जीता है मतलब कि एक फाइनल जीता है जो कि 2016 में जीता था क्वेटे के खिलाफ, ठीक है। ध्यान रखना मुल्तान अभी तक एक बार भी मतलब कि नहीं जीत पाई है पी एस एल, ठीक है, पेशावर एक बार जीती है। बात करें यहाँ पे रनर अप को तो यहाँ पे मतलब कि पेशावर ने यहाँ पे ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। रिसेंट फॉर्म के बता दो जो कि लास्ट 5 मैचेस है, मैं बता देता हूँ जो कि मुल्तान ने अभी तक मतलब एक मैच हारा है, पहला मैच जीता फिर दूसरा मैच, यानी कहीं ना कहीं लगातार 3 मैच मुल्तान जीत कर है और मुल्तान ने अभी तक हमने पीएसएल के करियर में एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीते, तो ध्यान रखना। फिर पेशावर की बात करें तो मैं आपको बता दूँ पेशावर ने यहाँ पे मतलब कि लास्ट मैच लॉस करके आ रहे, बट स्टिल मुल्तान यहाँ पे 3 मैचेस लगातार जीत कर आ रहे एंड मुल्तान के लिए इंपॉर्टेंट मैच रहेगा क्योंकि अभी तक मुल्तान ने एक बार भी नहीं जीते बट पेशावर एक बार मतलब ट्रॉफी जीत चुकी है जो कि 2016 में जो कि खेला गया था, ठीक है। अब पता होगा आपको लास्ट 5 मैच इसका हेड टू हेड रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये खेला गया था 13 जून और अबू धाबी में खेला गया था पेशावर वर्सेस मुल्तान के बीच, जिससे से मुल्तान ने जीता था 3 विकेट से, जब पेशावर ने पहले बैटिंग करते 166 का रन खड़ा किया था एंड मुल्तान ने इसे इजीली चेस कर लिया था 1 रन से, ठीक है, और 3 विकेट से जीत लिया था। फिर खेला गया था सेकंड मैच खेला गया था इन दोनों 23 फरवरी या फिर कराची में मैच खेला गया था एंड साथ ही मैं बता दूं मुल्तान वर्सेस पेशावर के खेला गया था, पेशावर ने इसमें 6 विकेट से जीता था। फिर 13 मार्च को खेला गया था 2020 में, 13 मार्च 2020 को खेला गया था कराची में जो कि मतलब कि खेला गया था जिसे मुल्तान ने 3 विकेट मतलब 3 रन से जीत लिया था, जिससे पहले मुल्तान ने बैटिंग की थी। फिर बात करें यहाँ पे जो है 4th मैच खेला गया था 26 फरवरी यहाँ पे खेला गया था 2020 को खेला गया था मुल्तान वर्सेस पेशावर के बीच जो कि खेला गया था जिसे मुल्तान ने जीत लिया था। हमने एक फैक्ट नोटिस किया यहाँ पे भी मुल्तान जीता, यहाँ पे मुल्तान जीता और पे पेशावर जीता और उससे पहले मुल्तान, यानी कहीं नहीं मुल्तान स्ट्रॉन्ग रहेगी बट मुल्तान वैसे भी लास्ट मैच जीत कर आ रही है लास्ट लगातार के 3 मैचेस, लास्ट 5 मैचेस पर सिर्फ 1 मैचेस लॉस ही की है, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ, तो यहाँ पे बात करें तो 5th मैच खेला गया था दुबई में जो कि मतलब कि मुल्तान वर्सेस पेशावर के मैच खेला गया जिसमें से पेशावर जीता था। हेड टू हेड में तो यहाँ इस पिच में पेशावर जीत गया था बट स्टिल हो सकता है मुल्तान इसको मैच जीत जाए या फिर मुल्तान लॉस भी हो सकती है, बट इस मैच मुल्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उनके लिए ट्रॉफी जीतना है। पेशावर तो जीत चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों बैट्समैन वर्सेस बॉलर्स, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अब आपके लिए आता है प्लेयर बैटल, अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे भी निकालने मतलब कि आप पूछोगे नहीं, इतना मतलब कि इतना पीछे तक मैं चला गया कि हाँ मुझे रिकॉर्ड ला के देने हैं आपको ऐसे कि आप विन करो। तो प्लीज़ जिन्होंने लाइक किया प्लीज़ लाइक जोर से कर दीजिए, बहुत मेहनत लगाए एक एक चीज़ को निकाले। अब आपका मेन टॉपिक आता है, ठीक है, वैसे तो वो भी मेन था बट देखो यहाँ पे बैट्समैन वर्सेस बॉलर्स का कंपेरिजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं रोजी भाई वर्सेस सोई मलिक, कितनी बार 47 रन बना रखे हैं यहाँ पे रोजी भाई ने 50 बॉल्स पे एक बार मतलब विकेट, यानी सोई मलिक विकेट नहीं ले पाते रोजी भाई के। ध्यान रखना रोजी भाई आज 4th बैटिंग करेगा, हो सकता है आपको अच्छे खासे रन बना के दे देंगे, ठीक है। एंड बात करें रोजी भाई वर्सेस यहाँ पे वावरिया जिसमें से 50 रन बना रखे 49 बॉल्स पे एंड 2 विकेट भी ले लिए। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि यहाँ पे 2 विकेट भी ले लिए सोई मलिक ने सॉरी वावरियाज ने रोजी भाई वर्सेस मोहम्मद इरफान जो कि बहुत ही लंबे कद के प्लेयर मतलब कि इनकी हाइट देखकर आप चौंक गए, 6 फीट प्लस हाइट, बहुत ही लंबे कद के एंड पतले प्लेयर, बहुत ही इंप्रेस कर देते। 49 रन बना रखे या 41 रन बॉल्स पे एंड साथ साथ 1 विकेट भी नाम कर रखे है, ठीक है। और मोहम्मद रिजवान वर्सेस वावरियाज अब मेन टॉपिक आता है क्योंकि मोहम्मद रिजवान ओपन करेगा वावरियाज स्टार्ट करेगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है 46 रन बना रखे 29 बॉल्स पे एंड यहाँ पे 1 विकेट भी नाम कर रखे, यानी वावरियाज ज़्यादा परेशान नहीं करते बट स्टिल किए बट उतना नहीं किया जितना कि लिमिट है, लिमिट से कम ही है फिर भी, ठीक है। अब बात करते हैं मोहम्मद रिजवान वर्सेस इरफान, क्योंकि मोहम्मद इरफान है मैं बता दूं 22 बॉल्स पे 22 रन से एंड 1 विकेट भी नाम किए रखे, यानी कहीं नहीं कहीं उतना परेशान नहीं करते और लेकिन मोहम्मद रिजवान खेल लेते अच्छे शॉट, ठीक है। मोहम्मद रिजवान वर्सेस उमर सैफ जो कि बता दूं बहुत ही अच्छा प्लेयर है एंड 28 बॉल्स पे यहाँ 28 रन बना रखे 22 बॉल्स पे एंड 1 विकेट भी नाम कर रखे है। सोहेल तनवीर वर्सेस वावरियाज 12 मतलब कि सोहेल तनवीर ने 12 रन बनाए 21 बॉल्स पे एंड 2 बार विकेट भी लिए, यानी सोहेल तनवीर के मतलब वावरियाज 2 बार आउट कर चुके हैं मात्र मतलब कि 21 बॉल्स पे, ध्यान रखना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा वावरियाज। फिर सोई मस्कुट वर्सेस जो कि टीम की कैप्टनशिप करेंगे वो अब रियाज के वर्सेस, ठीक है। तो 38 बॉल्स मतलब 13 रन बना रखे और यहाँ पे कितने पे 21 बॉल्स पे 0 विकेट, यानी कहीं विकेट नहीं ले पाते साकिब, ठीक है, सोई को विकेट नहीं ले पाते यहाँ पे वो अब रियाज, ध्यान रखना इस बात का। एंड यहाँ पे आज के मैच में सोई बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा आपके लिए क्योंकि दोस्तों मैंने बोला था कैप्टन जोर से करना लास्ट मैच सोई के बारे में। सोई वर्सेस यहाँ पे इरफान, अब आता है मेन ट्रॉफी 22 रन बना रखे 18 बॉल्स पे एंड साथ ही 1 विकेट भी नाम कर रखे, तो मोहम्मद इरफान सिर्फ एक से ज़्यादा विकेट नहीं ले पा रहे, ज़्यादा नहीं कर रहे। रोजी भाई वर्सेस उमेश सैफ बता दूं इनके बारे में क्या हुआ, उमेश सैफ ने इनको
जो कि एक ऑलराउंडर उमेश सेफ, रोसी भाई ने मतलब कि यहाँ पे 20 रन बना रखे 17 बॉल्स पे, दो बार विकेट लिए और उमेश सेफ का करंट फॉर्म भी जबरदस्त चल रहा है। तो दोस्तों ग्रैंडली के टीम में जोर से कैप्टन कैप्टन कर रहा है। अब मैं कंपेरिज कर रहा हूँ बैट्समैन वर्सेस बॉलर्स का, ठीक है। तो अब दूसरा प्लेयर का मतलब कि अब कहते हैं कमरान अकमल वैसे सोहेल तरमी, अब इंपॉर्टेंट आता है एक प्लेयर कि कमरान अकमल मतलब ओपन करेगा, सोहेल तरमी मतलब कि बॉलिंग करेगा। तो अब आता है 76 रन बना रखे 85 बॉल्स पे एंड एक विकेट नाम करेगा, यानी सोहेल तरमी उतना ज़्यादा परेशान नहीं करते, एक अच्छा प्लेयर। सोहेल मलिक वैसे यहाँ पे साइन अफरीदी बता दूं यहाँ पे 81 रन बना रहे 84 बॉल्स पे, तीन बार विकेट आउट कर चुके हैं। अब देख लो सोहेल मलिक को तीन बार मतलब कि साइन अफरीदी ने आउट किया। आज के मैच के ग्रैंडली के लिए अच्छा स्पेशल रहेगा। मिलर वर्सेस ताहिर, मैं आपको बता दूं मिलर किलर ने 17 रन बना रखे मात्र 51 बॉल्स पे और ताहिर ने अभी तक एक बार भी विकेट नहीं लिया। दोस्तों ताहिर आज मतलब कि विकेट नहीं ले पाया था, ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। सोहेल मलिक वर्सेस सोहेल तनवीर, अब आता है इंपॉर्टेंट क्योंकि सोहेल मलिक आपने देखा था कमार अकमल को आउट किए एक बार, बट इनको कितनी बार आउट किए, दो बार आउट कर चुके 51 बॉल्स पे, 74 रन बनाए रखे सोहेल मलिक ने। वोफरा वर्सेज साइन अफरीदी, मैं बता दूं 32 रन बना रखे 46 बॉल्स पे, दो बार विकेट ले गए। आपने देखा साइन अफरीदी यहाँ पे विकेट ले लिया और साइन अफरीदी यहाँ पे तीन विकेट ले लिया, देखिए खुद। फिर यहाँ से कमार अकमल वर्से सोहेल खान 58 बॉल्स पे 40 बॉल्स बना रखे, यहाँ पे 58 रन पे 45 बॉल्स, या फिर दो विकेट भी नाम कर रखे। सोहेल खान भी आपके लिए आज के मैच लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। वोपरा वर्से इमरान ताहिर, अब आता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्योंकि दोस्तों दोनों अच्छा मतलब एक प्लेयर है। दो यहाँ पे 34 रन बना रखे वोपरा ने, रवि वोपरा ने, एंड साथ 28 रन बॉल्स पे और एक बार आउट कर रखे। यहाँ पर ताहिर उतना ज़्यादा मतलब फॉर्म में, करंट फॉर्म तो जबरदस्त है बट विकेट नहीं ले पा रहे इनके खिलाफ। इमामुल्लक वर्से साइन अफरीदी, मैं आपको बता दूं दोस्तों इमामुल्लक ने कितनी बार 26 रन बना रखे और 20 बॉल्स पे और एक बार आउट कर रखे हैं। साइन अफरीदी आज के मैच में ठीक ठाक ऑप्शन रहना चाहिए। सोहेल मलिक वर्से सोहेल खान 36 बॉल पे 19 रन 0 विकेट, सोहेल खान कुछ नहीं कर पाए इनका। रुतरफोर्ड वर्से सोहेल तनवीर, अब रुतरफोर्ड आता थोड़ा नीचे बैटिंग तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बट एक बार आउट नहीं कर पाए। 37 रन बना रखे 18 बॉल्स पे 0 विकेट। दोस्तों ये मतलब कि रुतरफोर्ड वर्से इमरान ताहिर, जिन्होंने क्या किया इमरान ताहिर को मतलब कि 9 बॉल्स पे या 9 रन बनाए 18 बॉल्स पे, दो बार आउट करेंगे इमरान ताहिर, बस रुतरफोर्ड का विकेट ले पाते। बट इस बात का ध्यान, रुतरफोर्ड अगर पहले बैटिंग करते तो जोर से इमरान ताहिर को ट्राई करना क्योंकि उसके इमरान ताहिर पक्का विकेट लेगा रुतरफोर्ड का, ठीक है। आप इस समझ चुके। कमरान अकमल वर्से साइन अफरीदी 31 रन बना रखे 16 बॉल्स पे 0 विकेट, साइन अफरीदी कमार अकमल का विकेट नहीं ले पाते। बट एक बात का ध्यान रखना, कमार अकमल ओपन करेगा, साइन अफरीदी भी स्टार्ट करेगा बॉलिंग से, तो विकेट नहीं ले पाते बट सोहेल तनवीर यहाँ पे एक बार आउट कर चुके। दोस्तों बात कर प्लेयर मतलब प्रेडिक्शन पे प्लेइंग इलेवन के प्रेडिक्टेड प्लेइंग से, तो पहले बात कर मुल्तान के प्लेइंग से, तो बता दूँ यहाँ से मोहम्मद रिजान ओपन करी टीम से विकेट कीपिंग करेंगे, राइट हैंडेड बैट्समैन है, सोहेल मस्कूट के साथ ओपन करेंगे, ठीक है, इनके कैप्टन के साथ ओपन करेंगे। फिर थर्ड नंबर पर सैन मुसोडा खेलते रहे, अब इस बात का ध्यान रखना सैन मुसोडा ओपन कर सकते हैं रिजवान के साथ, ये तो आपको पता है, ठीक है। ये भी ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। रिली रोज भाई वर्सेज ये मतलब कि रिली रोज भाई मतलब आपको फोर्थ नंबर बैटिंग करते होना चाहेंगे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जोसेफ चार्ल्स आपको फिफ्थ नंबर पर खेलते रहेगा, राइट हैंडेड बैट्समैन है खुदिल सा एक राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, साथ ही साथ एक लाइट यहाँ पे आपको मतलब कि बॉलिंग भी पाते, लास्ट में जो उतना मतलब कि इकोनॉमिकल नहीं गए थे बट कहीं ना कहीं पिटाई भी जरूर से हुआ था। सोहेल तनवीर सेवन्थ नंबर पे जो कि एक राइट लेफ्ट हैंडेड पे फास्ट बॉलर है, या फिर मुजरवानी जो कि मैं बता दूँ यहाँ पे करंट फॉर्म भी सही है और 8 किट में आपको बंदा मिल रहा है, इससे अच्छा ऑप्शन क्या जो कि बंदा 8 किट में आपके लिए अवेलेबल है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। या फिर 9th नंबर का इमरान ताहिर खेलता जाएगा, फिर इसका सैन दहिर आपको बता दूँ ये राइट हैंडर मतलब कि बॉलर से काफ़ी अच्छा है, फास्ट बॉलर है। इमरान खान आपको 11th नंबर खेलता जाएगा और ये मतलब राइट हैंडर फास्ट बॉलर है, ठीक है, मीडियम पेसर। और बात करते हैं यहाँ पे पेशावर जालमी प्लेयर, तो दोस्तों यहाँ से ओपन करेंगे कमार अकमल, ओपन करेंगे राइट हैंडेड बैट्समैन है, टीम के विकेट कीपिंग करेंगे। और एक बात बता देता हूँ, कमार अकमल हमेशा परफॉर्मेंस करते हैं फाइनल में और ये आपको फैक्ट आपको पता ही होगा, ठीक है। जो मुझे स्टेडियम पर वो टेलीग्राम पे उन्हें अपडेट तो दे ही देता हूँ, बाकी टेलीग्राम जोर से जाएंगे। हजरतुल्ला जो है लास्ट मैन ऑफ द मैच बन के आए हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं जिन्होंने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, काफ़ी अच्छे प्लेयर। जोनाथन वेल्स एक कांस्टेंट बैट्समैन बीबीएल का जबरदस्त प्लेयर, एंड मैंने भी अपने टीम में पिक किया था, आपको पता हुआ मैंने हजरतुल्ला जजाई को पिक किया था एंड साथ ही साथ मैंने जोनाथन वेल्स को पिक किया था और एक तरफा हमने विन किया था, कोई सामने भी नहीं था, 200 पॉइंट्स अब लीड किया था, आपको पता होगा स्क्रीनशॉट मैंने दिया था, ठीक है। तो टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लेना। फिर उसके बाद सोहेल मलिक वर्से लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैट्समैन है एंड काफ़ी बॉलिंग भी पाते हैं। रोमन पावल जो कि एक हीटर है, जबरदस्त हीटर है अपने कंट्री के, एंड बता दूँ ये राइट हैंड बैट्समैन है। सैन रूटरफोर्ड जो कि मतलब बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है,
एंड उसके बाद अहमद भट्ट, दोस्तों बहुत लोग मतलब अहमद भट्ट को कैप्टन कैप्टन कर रहे थे, वो मैंने बोला था अहमद भट्ट को पिक करो सिर्फ, बट उसे कैप्टन वाइस कैप्टन मत करना, मैंने क्लियरली आपको बोला था। एंड सब कुछ के टीम प्रोवाइड्स कहते कि कैप्टन वाइस कैप्टन करो, वो सभी तो लॉस में गए ही गए, लेकिन हमने आपको बोला था कि आप पिक भी मत करो, हमने अपनी टीम में पिक करके नहीं लिया था, हजू तो जजाई को पिक किया था, हमने एक तरफ आपको विन किया था, बट इस मैच आपको अहमद भट्ट को लेना है नहीं लेना है आपको मैं टेलियाँ पर तो कन्फर्म कर ही दूंगा, क्योंकि इसके लिए टॉस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पहले बैटिंग करेगी या पे इनकी टीम तो जोर से लेना अहमद भट्ट को, सेकंड बॉलिंग रहेगी तो मत लेना, ठीक है। वो अभी आज को यहाँ खेलते आएंगे जो कि एक राइट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड मतलब फास्ट बॉलर है, उम्मीद यहाँ पे उम्मीद सेफ खेलते जाएंगे जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, यहाँ पे मोहम्मद इफरान खेलते इमरान खेलते जाएंगे जो कि दोस्तों एक राइट हैंडेड फास्ट बॉलर है। एंड साथ ही बता दूँ यहाँ पे मोहम्मद इफरान खेल जो कि आज के मैच में एक आपके लिए स्पेशल पिक रहेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर इनकी टीम अगर पहले बॉलिंग करती तो आपके इस मैच स्पेशल पिक रहने वाले, ठीक है। एंड बात करते हैं प्लेयर पैडी परफॉर्मेंस की, तो जहाँ पे रिसेंट फॉर्म कुछ देख लेते हैं, ठीक है। मोहम्मद रिजवान का एक सेकेंड माइक, अब आता है एक इंपॉर्टेंट और रोल प्ले आता है। पहले बात करें मुल्तान का रिसेंट फॉर्म को बता देते प्लेयर का, मोहम्मद रिजवान ने 29 रन्स बना के आए, फिर 22 रन्स बना के आए, फिर यहाँ पे 15 रन्स बना के आ रहे, 26 लास्ट मैच जीरो, बता दूँ लास्ट मैच जीरो रन बना के आ रहे, बट एक स्पेशल पीक है आपके इस मैच के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे सैन मोसड जो कि एक मतलब कि एक बार कैप्टनसी भी कर चुके टेस्ट मैचेस की, कैप्टनसी किया करते थे टेस्ट जो पाकिस्तान मतलब इंटरनेशनल टीम थी उसकी कैप्टनसी भी किया करते थे, यहाँ पे मतलब इनका फर्स्ट मैच खेले नहीं थे। एंड जो सेकेंड है 14 रन बनाए थे पहले मैच में, एंड फिर 73 बनाए थे, फिर एक बार जीरो आउट पे आउट हो गए थे, फिर 59 लास्ट मैच 25 लास्ट मैच 25 पे स्कोर किए थे, काफ़ी जो फॉर्म में भी चल रहे थे, टीम के से बहुत ही भरोसेमंद प्लेयर है जो ग्रैंड लीग में कैप्टन कैप्टन जोर से ट्राई करना। वैसे एफ सोएम मस्कुड मैं बता दूँ एक अच्छा प्लेयर टीम कैप्टनसी करता है, बहुत कंसिस्टेंट माना जाता है, 31 रन बनाए पहले मैच, दूसरे मैच 61, यहाँ पे मतलब 5 रन, फिर ऐसे 16 मैच 12 रन, या फिर 59 रन लास्ट में 59 रन बना के आए, और मैंने बोला था कैप्टन वाइस कैप्टन जोर से करना। फिर लिली रोज़ आए क्योंकि काफ़ी अच्छा प्लेयर, तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका के बहुत ही अच्छा प्लेयर, टैलेंटेड भी है और मतलब बहुत ही अच्छा प्लेयर, यहाँ पे 14 रन बना रखे लास्ट मैच, पहले मैच 44 रन, एंड साथ सेकेंड मैच डक आउट हुए थे, फिर उसके बाद थर्ड मैच पे यहाँ पे मतलब 2 रन, फिर उसके बाद फोर्थ मैच पे किया था 29 रन, या फिर फिफ्थ मैच पे यहाँ पे किया था 2 रन, या फिर यहाँ पे लास्ट मैच डक पे, ठीक है, वो बैटिंग नहीं आया था। फिर ध्यान रखा जो असल चार्ज यहाँ पे आपको बताओ तो फर्स्ट मैच खेले नहीं, फिर उसके बाद 47 रन बनाए थे पहले ही मैच में अपने, 47 रन बनाए थे, फिर सेकंड में क्या किया था 10 रन बनाए थे, फिर उसके बाद थर्ड मैच में इन्होंने 19 रन बनाया था, और मतलब कि लास्ट मैच में इन्होंने 41 रन बनाए थे जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे। खुद ही सा लास्ट मैच में तो काफ़ी अच्छा स्कोर किए थे, मतलब कि उम्मीद भी नहीं था इनसे, बट काफ़ी स्कोर कर दिए थे, पहले मैच 44 रन बनाए थे, फिर ऐसे मतलब कि बैटिंग तो आई नहीं, फिर ऐसे 20 रन बनाए थे, फिर 6 रन बनाए थे, एंड यहाँ पे खेले ही नहीं थे, फिर उसके बाद लास्ट मैच 42 रन बना के आ रहे। फिर ऐसे सोहेल तनवीर की बात करें तो ये मतलब कि 14 रन बना के लास्ट में 0 विकेट लिखा रहे, एक बार विकेट नहीं लिया, फिर उसे एक विकेट लिए थे, एंड 26 रन बनाए और लास्ट में 3 विकेट लिखा रहे। मैंने भी अपनी टीम में पिक किया था, आपको पता होगा कि मैंने सोहेल तनवीर को पिक किया था एंड बोला था बहुत ही अच्छा प्लेयर है, ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन कैप्टन जोर से करना, तो जिनको ग्रैंड लीग की टीम फ्री में चाहिए वो टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लेना। बात करें यहाँ पे मुजरवानी की, तो यहाँ पे पहले मैच में नहीं खेले थे, पहले मैच में खेले थे तो एक विकेट लिए थे, और फिर दूसरे मैच में एक विकेट, फिर यानी कंसिस्टेंसी दिखा रहे, लास्ट मैच में 3 विकेट, दोस्तों कंसिस्टेंसी दिखा रहे हर मैच में, एक एक विकेट, बस एक मैच नहीं खेला था बट कंसिस्टेंसी दिखा रहे कहीं ना कहीं। इमरान ताहिर जो क्या बात है इंपॉर्टेंट, पहले मैच में 2 विकेट लिए थे, फिर उसमें विकेट नहीं लिए थे, फिर 3 विकेट लिए थे, फिर एक विकेट, फिर यहाँ पे लास्ट मैच में 2 विकेट लिखा रहे। ऐसे इस जैनी जो कि दोस्तों बहुत ही मतलब अभी करंट टाइम के बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, बहुत ही मतलब एक मैच में 3-3 विकेट लिखा आ रहे, मैं आपको बताता हूँ, पहले मैच में 0 विकेट, फिर दूसरे मैच में 4 विकेट, फिर तीसरे मैच में 1 विकेट, और फिर चौथे मैच में यहाँ पे 4 विकेट, और लास्ट मैच में 2 विकेट लेकर आ रहे। आपको पता होगा इमरान खान आपकी बात करते तो 3 मतलब लास्ट मैच में मतलब 3 विकेट लेकर आ रहे पहले मैच में, फिर उसके बाद दूसरे मैच में या फिर 0 विकेट, या फिर आए थे थर्ड मैच में 2 विकेट, और या फिर 3 विकेट, ठीक है, और लास्ट मैच नहीं खेले थे, और इस मैच आपको खेलते नजर आएंगे। आपको पता होगा ये जो 3 विकेट लेकर आ रहे हैं वो लास्ट के मैच से लास्ट में खेल के आ रहे हैं, ठीक है। एंड बात करते हैं लास्ट बॉलिंग स्कोर कार्ड के, तो जहाँ पे सोहेल तनवीर ने मतलब कि क्या यहाँ पे 4 ओवर पाए थे जिसमें से 70 रन खर्च किए थे, जिसमें से विकेट लिए थे 3, ठीक है, और यहाँ पे मुजरवानी के 4 ओवर डाले थे पूरे, एंड इसमें से 31 रन बनाए थे, एंड यहाँ पे 3 विकेट भी अपने नाम कर रखे। एस दाइनी लास्ट मैच में मतलब उतना अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं दिया था, 29 रन, काफ़ी अच्छे प्लेयर फिर भी। इमरान ताहिर की बात करें तो लास्ट मैच में हुआ कुछ इस तरीके का था, 4 मतलब कि ओवर पाए थे कन्फर्म, जिसमें से 2 विकेट भी लिए थे एंड 29 रन भी मतलब दिए थे। इमरान खान के बारे में बता दूँ यहाँ पे 4 मतलब कि ओवर कन्फर्म भी डाले थे, जिससे 14 रन दिए थे, इकोनॉमिकल 10 का गए थे, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, एक विकेट नाम की। अब बात करते हैं पेशावर जालमी के प्लेयर से, दोस्तों ये है दोस्तों अब और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट दोस्तों मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है क्योंकि दोस्तों कंटिन्यूसली बोलना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल भी हो जाता है, तो प्लीज़ देख सकते हो
ठीक है। तो यहाँ पे बात हजू तो जचाई की तो बता दूँ, 3 लगातार मैचेस नहीं खेले, फिर उसके बाद 63 रन पर आए, फिर 0 रन पे आउट हो गए थे। आपको पता हो जिस मैच पे बोला था ड्रॉप करने के लिए उसमें 0 पे आउट हो गया था, आपको ये पता ही है। फिर 76 रन पर आए और लास्ट मैच 66 रन में आए, तो जबरदस्त प्लेयर बंदा, मतलब कि वो अपने देश के मतलब वर्ल्ड के मतलब कि अपने देश में बहुत ही अच्छे हीटर है एंड वो अपने मतलब देश के टॉप हीटर में से आते हैं। आपको पता मोहम्मद शहजाद एंड साथ ही साथ यहाँ पे हजतुल्ला जजाय असगर अफगान, ये 3 सबसे ज़्यादा मतलब हीटर है वहाँ के। अब कबरान अकले में बता दूँ, पहले मैच में 1 रन बनाए थे, फिर उसके बाद 59 रन बनाए थे, 35, फिर उसके 99 रन बनाए थे, फिर यहाँ से 53 बनाए थे एंड फिर 13 रन बनाए थे और फिर 8 रन बनाए थे लास्ट मैच में, ठीक है। फिर बता दूँ जोनाथन वेल्स का, फिर खेले नहीं तो बस एक मैच है 55 रन बनाए थे और पहली मैच में हाफ सेंचुरी। अब बंदा थोड़ा लिटरली स्टार्ट करता है, थोड़ा मतलब टिक के खेलता है, ठीक है। सोएब मलिक का बता दूँ तो 73 बनाए थे पहले मैच में, फिर 2, फिर 0, 0, फिर 68 रन बनाए थे प्लस एक विकेट भी नाम किए थे, फिर 30 रन लास्ट मैच 32। रोमन पॉवेल पहले मैच में 0 एंड या फिर 43, 4 रन, 2 रन या फिर 14 रन, ये मतलब कि 1 रन एंड साथ ही साथ ये मैं दोस्तों बता दूँ, ये बंदा मतलब इतना मतलब हीटर जबरदस्त है, अगर इसको बैटिंग मिल गया तो वहाँ से आपको पॉइंट्स देकर जाएगा, बट करंट फॉर्म बहुत बेकार चल रहा है, CPL से बहुत करंट फॉर्म बेकार चल रहा है। रदरफोर्ड लास्ट में जब जबरदस्त सीटिंग किया था बंदे ने, मतलब मैच पलट कर रख दिया था, ये लग नहीं रहा था जीते, एक बार मैच पलट कर रख दिया था। 15 बॉल्स मतलब 15 रन बनाए थे पहले मैच में, फिर 10 रन, फिर ऐसे 56 रन, 2 रन, 29 रन, ठीक है। वो एवरेज की बात करें तो एवरेज ने 17 रन बनाया था, एक विकेट नाम किया था, 2 विकेट, फिर 0 विकेट, 3 विकेट और फिर इसका 28 रन, 2 विकेट लिए थे, फिर 2 विकेट। आपने देखा एक बार फैक्ट नोटिस किया, 2 विकेट 3 विकेट है, कहीं कहीं कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। उमेश सेफ जो कि एक टीम कंसिस्टेंट है काफ़ी अच्छे प्लेयर, 23 रन, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और यहाँ पे देखोगे तो 20 रन और यहाँ पे 2 विकेट भी नाम किया और लास्ट मैच में 2 विकेट। अहमद बट लास्ट मैच 1 विकेट लेके आए थे, उससे पहले खेल नहीं देते। मोहम्मद इमरान के बारे में बता दूँ तो दोस्तों ये मतलब 1 विकेट लिए थे, 0 विकेट, 1 विकेट, फिर 2 मैचेस लगातार नहीं खेले थे, फिर 1 विकेट, 1 विकेट, ठीक है दोस्तों। तो ये मतलब कि इनका है। अब बात मोहम्मद इरफान का तो 1 विकेट लिए थे, वैसे मतलब कि 3 विकेट लिए थे एंड साथ ही साथ 1 विकेट लिए थे यहाँ पे, ऐसे साथ 0 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट, लास्ट मैच 1 विकेट लेके आए थे। अब बात करें लास्ट बॉलिंग स्कोर कार्ड की, दोस्तों लास्ट ऑफ बॉलिंग मैं बता देता हूँ, सोई मलिक ने स्टार्ट किया था बॉलिंग से, जहाँ पे मतलब कि उन्होंने मतलब 7 रन, 1 ओवर भी पाए थे, 7 रन दिए थे एंड 1 ओवर विकेट नहीं लिए थे, ये रियाज ने पाया था सेकंड ओवर, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, 35 रन दिए थे और 2 विकेट भी अपने नाम किए थे। फिर इमरान मतलब मोहम्मद इमरान बता दूँ, ये मतलब काफ़ी अच्छा प्लेयर, ऊंचे कद का प्लेयर एंड काफ़ी अच्छा आपके लिए ऑप्शन रहेगा। देखो तो 4 मतलब कि ओवर्स में 21 रन बना रखे और 1 विकेट भी नाम कर रखे, फिर यहाँ पे 4 रन मतलब 4 ओवर डाले थे इमरान डाले थे और साथ ही साथ इन्होंने 34 रन मतलब कि खर्च किए थे और जिसमें से इन्होंने 1 विकेट भी नाम किए थे। उमर सेफ की बात करो जो कि टीम कंसिस्टेंसी दिखा रहे, काफ़ी अच्छा मतलब ऑलराउंडर है टीम के तरफ, कहीं नहीं का एक मेन प्लेयर भी कह सकते हो, जिन्होंने 3 ओवर्स में 2 विकेट भी नाम किए थे और मतलब कि 44 रन भी दिए थे। साथ अहमद बटके में बता दूँ लास्ट में बॉलिंग किया था एंड साथ ही साथ इन्होंने 4 ओवर कन्फर्म डाले थे, 26 रन यहाँ पे मतलब कि खर्च किए थे और 1 विकेट भी नाम किए थे। बात करें टॉप पिक्स की, पहले बात की पेशावर के टॉप पिक्स से, तो मैं बता दूँ इनके टॉप पिक्स से कुछ इस तरीके के, यहाँ पे कमार अकमल जो कि टीम के तरफ से पहले कैप्टनसी किया करता था पाकिस्तान के, आपको पता होगा। सोएब मलिक भी मतलब कि पहले कैप्टनसी किया करता था, सोएब मलिक मतलब कि रिसेंट कैप्टनसी किया करते थे, वो कमार अकमल सबसे पहले कैप्टनसी किया थे सोएब मलिक से पहले, ठीक है। सोएब मलिक और कमार अकमल के बाद सोएब मलिक कैप्टनसी किए, फिर वहाँ से सरफराज अहमद किए, फिर वहाँ सरफराज अहमद से कर रहे मतलब कि बाबर आजम, ठीक है, ये आपको पता होगा। हजतुल्ला जजा एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, सरफेद रदरफोर्ड एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ग्रैंड लीग के पिक पे वाबियाज भी एक इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों ये ऐसे 5 पेशावर की तरफ से इंपॉर्टेंट है। अब बात करें मुल्तान की तरफ से जो इंपॉर्टेंट, मोहम्मद रिजवान एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, रिली रोजवा एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ पे सनी दहनी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप 4th नंबर है यहाँ पे मुजरबानी जो कि टीम कैसे कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, हर मैच मिनिमम 1 विकेट लेकर आ रहा है, 1-2 विकेट ऐसे लेकर आ रहा है। बात के कैप्टन कैप्टन ऑप्शन से तो दोस्तों से पहले अपने गिवे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिंपल से आपको गिवे क्वेश्चन करना है, आपको सिंपल से आपको पूछ रहा हूँ कुछ नहीं करना, आपको बताना ये कि इस मैच में मतलब कि सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा, मैं चाहता हूँ फाइनल है एंड सभी लोग विन करें, आपको जो भी लगता है, आपको लगता है मोहम्मद रिजवान तो आप लिख सकते हो मोहम्मद रिजवान, आपको नीचे जो भी आंसर नीचे कमेंट कर दीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब जोर से कमेंट कर देना और हाँ वीडियो को यहाँ तक देखो तो प्लीज़ लाइक जोर से करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बस आपको कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करके ऑल पे सेट कर लो, ठीक है, ये जोर से कर लेना। स्मॉल लीग में आप कैप्टन कैप्टन बात करें तो यहाँ पे कमारा कमाल, हजतुल्ला जजा, मोहम्मद रिजवान टॉप 3 है, ग्रैंड लीग में मुजरबानी जोनाथन वेल्स को ट्राई करना है। बाकी दोस्तों जो फाइनल टीम की टेलीग्राम पे दे दूंगा तो जोर से रियल टेलीग्राम ज्वाइन करें, जहाँ ऑलरेडी 4000 प्लस आपको देखने को मिलेगा। एक ही मानी आप कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए, वहाँ पे एक लिंक पिन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, रियल टेलीग्राम ओपन है, तो जोर से रियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों आपके सामने मेरा आप आपका फर्ज बता, वीडियो को लाइक करना चाहे सब्सक्राइब करना तो जोर से लाइक कर दीजिए। दोस्तों बहुत क्लियरली लिखा एंड बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा, आप खुद देख सकते हैं यहाँ से, तो वीडियो लाइक जोर से कर दिया, हमारी टीम को भी इससे सपोर्ट मिलता है।
दोस्तों बात करते हैं अपनी टीम से, तो मैं मुंबई रिजवान को पिक करूंगा कमार अकोला के इंपॉर्टेंट ऑप्शन लेंगे। हालांकि इसके लिए टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पता होगा कमार अकोला से चेसी में ज़्यादा जबरदस्त स्कोर करते हैं। आप जितने भी मैच देखेंगे, अगर जिन्होंने मुझे 2020 का PSL मतलब कि सॉरी 2019 का PSL जिन्होंने मेरे साथ खेले होंगे, उनको पता होगा कमार अकोला ने फाइनल में क्या स्कोर किया था, चेसिंग टाइम जबरदस्त स्कोर किया था। तो इसे मतलब टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा वो चीज़, तो टेलीग्राम जोर से ज्वाइन करके अभी लिए कमार अकोला को पिक करूंगा। सोहेब मलिक को पिक करूंगा, देखा था अपने रिजल्ट फॉर्म में काफ़ी अच्छा चल रहा है, फोन बैटिंग ठीक ठाक ऑप्शन यहाँ पे सोहेब सपोर्ट को भी लूंगा, जो कि एक अच्छा प्लेयर है, जो सो चार से इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ग्रैंड लीग में ट्राई करना तो कर लीजिएगा, हजो थोड़ा जरिए कंसिस्टेंसी दिखा रहे, कहीं ना कहीं एक मतलब इंपॉर्टेंट ऑप्शन लेंगे, लास्ट प्लेयर मैन ऑफ द मैच बन के आ रहे हैं। रिली रोज भाई काफ़ी अच्छे प्लेयर है, आप ट्राई कर सकते हो, आपने देखा था फॉर्म भी सही चल रहा है। जोनाथन वेस को लूँगा, सैन मुसोट को लूँगा। तो दोस्तों ये मेरे 5 बॉलर्स हैं, मैं इन्हीं के साथ जा रहा हूँ, आप भी इन्हीं 5 को ट्राई करिएगा। बात करें यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में, आपने देखा था सोहेल तनवीर भी ठीक ठाक ऑप्शन है, यहाँ पे उमेश से भी अगर मैं दोनों ट्राई करता तो जोर से ट्राई करता। फिलहाल के लिए मैं ट्राई करना चाहूँगा अहमद भट्ट को, तो भूल ही जाओ, सोहेल तनवीर ट्राई करो या फिर उमेश से। अगर पहले जो देखो सोहेल तनवीर अगर पहले बैटिंग करता है तो सोहेल तनवीर को ट्राई करें, अगर पहले बॉलिंग अगर ये करते तो हम ट्राई करें युवासिफ को, जो पहले बैटिंग करेगा सोहेल तनवीर तो बैटिंग हम ले लेंगे सोहेल तनवीर को ले लेंगे, जो मुल्तान का पहले बैटिंग करेगा तो सोहेल तनवीर, अगर पेशावर पर पहले बॉलिंग करेंगे तो उसमें युवासिफ ले लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना उमेश सैफ को भी पिक करो अभी के लिए सिर्फ, क्योंकि टीम में कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, सोहेल तनवीर का उतना कंसिस्टेंट रहता नहीं है, लास्ट में 3 विकेट लेकर आ रहा है। बात करें वाइवरियाज को लूँगा, काफ़ी अच्छा ऑप्शन, टीम कैप्टनसी कर जबरदस्त प्लेयर है। एस धानी को लूँगा, मेरे पास बचता है सिर्फ 8 किट, जिसमें से मुझे लगता है मुजरवानी के अलावा 8.5 किट बचता है, तो दोस्तों इसमें कोई मुझे किट मैनेज करना पड़ेगा। आइडा मेरे पास है सिर्फ 8 किट बचा हुआ है, तो 8 किट मुझे लगता है कौन सा प्लेयर अच्छा रहेगा। फिलहाल के मैं ड्रॉप करता हूँ युवासिफ को भी, अहमद भट्ट को भी के लिए पिक कर रहा हूँ, हालांकि इनिशियल टीम है अभी भी ऐसे सेट कर रहा हूँ, फाइनल टीम तो टेलीग्राम पर दे ही दूंगा। तो अभी के लिए मेरी ये टीम है कुछ इस प्रकार की, मैं इमरान ताहिर के साथ जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरी टीम है, जैसे मैं चाहता हूँ अहमद भट्ट थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाया इस बार, क्योंकि कंफर्म 4 ओवर पाएंगे, तो एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे, कहीं ना कहीं वो परेशान करेंगे साकिब को या सोहेब को या फिर यहाँ पे सैन को परेशान करेंगे, तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, कहीं ना कहीं अहमद भट्ट इसमें जो ट्रम्प कार्ड जैसे प्लेयर है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी मेरी टीम जिसमें मैं जा सकता हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करो तो कैप्टन आखमन के मैं जाना चाहूँगा, कैप्टन के बहुत सारे ऑप्शन है। फिलहाल फिर मोहम्मद रिजवान के जाऊंगा, क्योंकि बैटिंग से पॉइंट्स दे ही रहते, लास्ट में 0 पे आउट हुए थे फिर भी विकेट कीपिंग से पॉइंट्स देके गए थे, तो जबरदस्त ऑप्शन है। अगर मतलब कि इस टीम को तब मैं यूज़ करूँगा जब मतलब कि पहले मतलब कि बैटिंग रहेगा यहाँ पे मोहम्मद रिजवान की, तब मैं इस टीम की यूज़ करूँगा, क्योंकि हमने खुद देखा कमार अकोला ने वाइस कैप्टन किया, अभी के लिए विकेट कीपिंग से पॉइंट देगा, हो सकता है मैं सोहेब मलिक हो वाइस कैप्टन, क्योंकि वह टैलेंट प्लेयर है एंड वो ये चाहेगा जीतना। ठीक है, तो ध्यान रखना वाइस कैप्टन अपना चेंज कर सकते हो, अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे करूँगा। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम, जैसे मैं जा सकता हूँ इसी टीम से कॉन्टेस्ट बुक करूँगा। आप ग्रैंड लीग बस उसी चीज़ को फॉलो कीजिए जो मैं आपको वीडियो में बताया था, उसी चीज़ को आप फॉलो कीजिए। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम, जैसे मैं कॉन्टेस्ट बुक कर सकता हूँ, फाइनल टीम टेलीग्राम पे दूंगा, तो रियल टेलीग्राम दोस्तों जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, रियल टेलीग्राम कमेंट बॉक्स के लिंक से आ जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों।